एवरीवन, टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट फिटनेस फॉर क्रिकेटर्स विदाउट एनी यूज़ ऑफ इक्विपमेंट्स। क्योंकि यार आजकल क्या है कि हम घर पे होते हैं, लॉकडाउन चल रहा है और किसी कभी कभी घर पे हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं होते। लेकिन अगर आप जुझारू हैं, आप हार्ड वर्किंग है और आप चाहते हैं कि मैं मतलब एनी कॉस्ट एनी हाउ मैं अपने आप को रेगुलर रखूँ, कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करूँ, तो मैंने इस चीज़ को सोचते हुए एक ये वर्कआउट का डेमोस्ट्रेशन बनाया है और ये मैं आप बनाने जा रहा हूँ और ये आपके लिए मैं अपलोड करूँगा ताकि आप लोग कर पाएँ और अपने आप को ग्रेजुअली धीरे धीरे इम्प्रूव कर पाएँ। तो सबसे बड़ी बात लेकिन ये है कि आपने कोई भी चीज़ लर्न करनी है, कोई भी चीज़ इम्प्रूव करनी है, तो सबसे पहले आपने एक बात ध्यान रखनी है बहुत ही अंडरस्टैंड के साथ कि यार कोई भी काम है ना उसको पूरा अच्छी तरह समझना है। अगर आप समझ सकते हैं ना और आपको पूरी तरह से पता है कि करना क्या है तो आप अच्छे से कर पाएंगे, अदरवाइज़ चीज़ें काफ़ी दिक्कत हो सकती है आपको। जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको अधूरा ना देखें, पूरा देखें और स्लोली स्लोली उसको समझने की भी कोशिश करें। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आंसर कर सकते हैं, क्वेश्चन पुट कर सकते हैं ताकि मैं उनका आपको जवाब दे सकूं। और कोई भी एक्सरसाइज करते हो, किसी प्लेयर को कोई दिक्कत होती है, अगर वो बिगिनर है उसको दिक्कत है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज फ्यूचर में डाली जाएंगी ताकि वो धीरे धीरे डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज को भी कर सके, अपनी बॉडी को यूज टू कर सके। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं, तो आप फॉलो कीजिएगा, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो अबाउट द फिटनेस प्रॉफिट। गाइज फिटनेस इज द फाउंडेशन ऑफ आवर बॉडी, फाउंडेशन क्रिएट द स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल थिंग्स आर बिहेव स्ट्रॉन्गली। अगर आप ये चीज़ें समझते हैं ना और अगर आपको फिटनेस के प्रॉफिट पता है तो फिर आप उसको कहीं ना कहीं अचीव करने के लिए भागेंगे, कहीं ना कहीं आप उसके पीछे जाएंगे। जब हम किसी चीज़ को पीछे जाते हैं, हम जब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए जाते हैं तो हम उसको अचीव करने की जो अपनी अंदर की जो इंटरनल स्ट्रेंथ है उसका यूज़ करते हैं, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़रूरी पार्ट है हम लोगों के लिए, हम सब उन प्लेयर्स के लिए, हम नॉर्मल पर्सन्स के लिए जो भी फिटनेस में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी बॉडी को इंटरनली बहुत अच्छा फील कराना चाहते हैं। इफ़ यू आर नेगलेक्ट द बॉडी फिटनेस, यू आर नेगलेक्ट योर बॉडी योर रियल हैप्पीनेस। जो मैं बातें कह रहा हूँ ना ये आपको समझनी पड़ेंगी। अगर कहीं ना कहीं आप अपनी बॉडी को नेगलेक्ट कर रहे हैं ना, अपनी बॉडी फिटनेस को नेगलेक्ट कर रहे हैं ना, इट मीन्स जो आपकी रियल हैप्पीनेस है आप उसको भी नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको समझना है कि आपको क्या नेगलेक्ट करना है और क्या कौन सी चीज़ आपको कैप्ट करनी है, अडॉप्ट करनी है। सो आई एम सेइंग योर फिट बॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट योर फिट बॉडी। योर फिट बॉडी क्रिएट द ग्रेट फीलिंग इंटरनली, ये तो आपको सबको पता होगा। देन योर एक्सटर्नल फीलिंग ऑटोमेटिकली चेंज एवरीथिंग, चेंज 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 योर विल पावर इन योर हैंड व्हेन वी आर कमिटेड विद वर्कआउट्स। अगर आप ये सब करते हैं ना तो आप कमाल हैं। अगर आप इन दिस सेशंस मैक्सिमम टाइम वी आर फोकसिंग ऑन all body strength, especially core strength, abdominal strength, back muscle strength, and अगर ये आप चीज़ें करते हैं ना तो आपको बहुत ज़्यादा benefit होने वाला है। क्योंकि जो हमारा core workout है ना, जो हमारी कमर है ना, ये lean करने में हमें झुकते वक्त इसका बहुत ज़्यादा use होता है। अगर आप इस use को कंसिस्टेंसी के साथ बड़ा अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं बैक इंजरी से, अपने आप को कोसों दूर रखना चाहते हैं, तो आपको इस तरह का वर्कआउट करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए ताकि आपकी जो बॉडी है ना फुली कंट्रोल्ड रहे। वर्कआउट अगर आप करते हैं ना तो आप बड़ा ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। Everybody wants to become fit player or fit person, but no one follow the right fitness schedules and methods. ये तो वही बात हो गई, everyone wants to go to in heaven, but no one die. तो यार ऐसे बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा जैसा आप सोचते हैं।
अगर आप अच्छा सोचते हैं तो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं ना, तो आप वो हर चीज़ कर रहे हैं जो एक उस बंदे को करनी चाहिए जो एक कामयाब होना चाहता है, जो यूनिकनेस की क्लास को पाना चाहता है, जो उस क्लास को पाना चाहता है जो डिफरेंट हो, जो भीड़ से अलग हो, जो उस भीड़ से अलग हो जहाँ पे बहुत रश होता है। आप रशिंग एरिया से दूर रहना चाहते हैं, आप अपनी वन मैन क्लास को दर्शाना चाहते हैं, आप कहीं ना कहीं अपनी जो चमक है, अपनी जो ब्राइटनेस है, उसको लोगों के सामने इंडिविजुअल कैटेगरी के तरह चमकाना चाहते हैं, तो आपको उस चीज़ को समझना होगा, आपको उस तरह बिहेव करना होगा, आपको उस तरह इंटेंट दिखाना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस भरपूर रखना होगा, सेल्फ बिलीव के साथ रेगुलर काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये जो आपका प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, आपको उस लेवल तक पहुंचा देगा जहां पे हर बंदे की चाहत, जहां पर हर एक उस बंदे की तमन्ना है जो कामयाबी को पाना चाहता है, जो हर एक उस चीज़ को पाना चाहता है जो हर एक उस बंदे के लिए मुश्किल है, जो हर एक उस बंदे के लिए नामुमकिन है, जो उसने कभी लाइफ में की नहीं है, जो लाइफ में करना नहीं चाहता है। आपने बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी है, आपने रॉक स्टार की तरह, आपने उस एक चीते की तरह आगे बढ़ना है जो चीता अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, जो उसको खाकर ही, जो उसको पाकर ही दम लेता है। आपको ऐसी भूख पैदा करनी है, ऐसी भूख कि मैं खा के ही दम लूँगा, मैं उस चीज़ को अचीव करके ही दम लूँगा जो आप चाहना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, जो अपने अपनी प्रोफाइल के अंदर इनबिल्ड करना चाहते हैं, जो आप अपनी कैटेगरी के अंदर इनबिल्ड करना चाहते हैं। अपने आप अपने फीचर्स को डेवलप करिए, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स डेवलप करिए ताकि आपकी यूनिकनेस अलग हो जाए, आपकी पर्सनैलिटी दूसरों से अलग हो जाए, आप भीड़ से अलग हो जाए, आप उस भीड़ से कोसों दूर हो जाए, भीड़ आपके पीछे चले तो आपको यूनिकनेस बनना पड़ेगा। और एक बात बहुत ही जो ज़बरदस्त है, जो रेगुलर है, जो आम तौर पर हर पर्सन को सुनने को मिलती है, कि हर ज़्यादातर लोग आपको वही मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमें ये काम आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ये काम आपकी जो रेंज है उससे काफ़ी बाहर है। तो आपने ऐसे लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी, परवाह इसलिए नहीं करनी, ये वो लोग हैं जो आपकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करेंगे आने वाले टाइम में, जब आपके पास कुछ नहीं होगा। अगर आपने कुछ कामयाब की तरफ जाना है, आपको कामयाब बनना है, तो सिर्फ आपने अपनी परवाह करनी, आपने अपनी इंटरनल फीलिंग्स को सुनना है, आपने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को पहचानना है कि आपके अंदर क्या काबिलियत है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं ना, और अगर आप ये समझ पाते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, अगर आपका कोई मेंटर बड़ा शानदार है, आपका कोई गॉडफादर शानदार है, तो आपके लाइफ में चार चांद लग सकते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है। और हर बंदे के अंदर, हर एक उस बच्चे के अंदर क्लास होती है, हर एक अलग टैलेंट होता है, कहीं ना कहीं अलग पोटेंशियल होता है, उस पोटेंशियल को समझना है। अगर आप मैच्योर हैं तो आप उसको जल्दी से समझिए, अगर आप नहीं हैं तो एक ऐसे बंदे से जुड़िए जो कि आपको समझ पाए, जो आपको समझ पाए। अगर वो समझ गया ना आपको, तो उसको पता होगा कि आपको कैसे आपको चमकाना है, कैसे आपको ब्राइट करना है, कैसे आपके ऊपर मेकअप करना है, वो मेकअप जिससे आपकी पर्सनैलिटी चमक जाए, वो मेकअप जिससे आपकी बॉडी लैंग्वेज चमक जाए, वो मेकअप जिससे आपके कामयाबी के रास्ते आसान हो जाए, वो मेकअप जिससे आपकी जो आपकी चमक है ना, चारों तरफ चमकने लग जाए और वो चमक से सारे चकाचौंध में झूम जाए। तो गाइज, आपने पूरा वर्कआउट देखा होगा, वर्कआउट इज़ कम्प्लीट। और जो भी ये जो एक्सरसाइज कराई हैं, इसमें ऑल बॉडी वर्कआउट है, जिसमें कोर बहुत ज़्यादा कोर पे काम किया गया है, एब्स पे काम किया है, एब्डोमिनल पार्ट पे काम किया है, अपर एब्स पे काम किया गया है, क्योंकि जो भी क्रिकेटर है ना, वो फिटनेस तो करते हैं लेकिन कोर वर्कआउट कम करते हैं। अगर कोर वर्कआउट आप नहीं कर रहे, तो इट मीन्स आपका जो वर्कआउट है अधूरा है। और इस वर्कआउट के अंदर खास बात यह है कि आप इसको घर पर कर सकते हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट्स यूज़ के द्वारा भी। तो अगर आप ऐसा करते हैं ना, और ऐसा कर पाते हैं, तो फिर आपको पता है कि क्रिकेट में सारा झुकने का काम कितना ज़्यादा है। आप लीनिंग फॉरवर्ड होते हैं, शॉट मारते हैं, आप थ्रो करते हैं, डाउन होके लीन करके थ्रो मारते हैं, तो इसमें एफर्ट लगता है। तो ये सारी चीज़ आपको अगर इम्प्रूवमेंट करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ अपनी कमर से काम लेना है, तो कमर को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को मजबूत करना पड़ेगा, अपने बॉडी पार्ट्स को स्ट्रांग करना पड़ेगा, ताकि आप स्ट्रांगली बिहेव कर पाएँ ग्राउंड के अंदर। तो जो भी मैं ये कर रहा हूँ यार, अगर आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, और डेफिनेटली आप इम्प्रूव करेंगे और
आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और जो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो फिर इट मीन्स आपकी एनर्जी ना मेरे अंदर आ रही है, और वो मैं आपको आपको ट्रांसफ़र करूँगा अपने द्वारा डबल एनर्जी के साथ। तो प्लीज़ गाइज वर्क ऑन योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक योर सेशंस, बेस्ट ऑफ लक योर अपकमिंग डेज फॉर हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्क करते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू गाइज।